रूस और यूक्रेन जंग के बीच भारतीयों के लिए राहत भरी खबर। खबर ये है कि बिना वीजा भारतीय पोलैंड बॉर्डर पार कर सकेंगे और वतन वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट्स होंगी। तो वहीं कीव की बात करें तो कीव जाने के लिए रूस के सैनिकों ने रास्ता पूछा तो यूक्रेन के नागरिक टैंकों के सामने खड़े हो गए। नमस्कार, डीबी न्यूज देख रहे हैं आप और डीबी न्यूज में हम बात करेंगे तमाम खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। खबरों की शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीयों के लिए राहत भरी खबर से। जी हां, रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीयों के लिए राहत भरी खबर है। अब भारतीय बिना वीजा पार कर सकेंगे पोलैंड बॉर्डर। जिसे ही सुना आपने, भारत में पोलैंड के राजदूत ने बताया है कि करीब 2 लाख लोग बॉर्डर पार कर पोलैंड आए हैं, जिसमें भारतीय छात्र भी हैं। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पॉइंट्स पर काफ़ी भीड़ है, लेकिन हम हर किसी का स्वागत कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कई भारतीय युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब तक 6 फ्लाइट्स भारतीयों को लेकर भारत लौट आई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सड़क के रास्ते पोलैंड, हंगरी और रोमानिया लाया जा रहा है और वहां से भारत भेजा जा रहा है। इस बीच भारत में पोलैंड के राजदूत ने कई अहम जानकारियां साझा की है। उन्होंने बताया कि करीब 2 लाख लोग बॉर्डर पार कर पोलैंड आए हैं, जिसमें भारतीय छात्र भी हैं। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पॉइंट्स पर काफ़ी भीड़ है, लेकिन हम हर किसी का स्वागत कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग के बीच भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की ने बताया कि भारतीय छात्रों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स होंगी। पोलैंड मदद कर रहा है और भारत के हाई लेवल डेलीगेशन की अपने नागरिकों निकालने में मदद करेगा और बिना किसी वीजा के भारतीय नागरिक पोलैंड बॉर्डर आ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम यूक्रेन के समर्थन में हैं और उसे पूरी तरह से मदद देने के साथ साथ हथियार भी मुहैया कराएंगे। पूरे यूरोपियन यूनियन का एयर स्पेस रूस के विमानों के लिए बंद है, जिसमें प्राइवेट जेट्स भी शामिल हैं। रूस पर जापान, अमेरिका और अन्य देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कुशीनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 5 चरणों के चुनाव में भाजपा ने बहुमत के बराबर सीटें प्राप्त कर ली हैं। छठे और सातवें चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोटिंग करनी है। इस बार आपको विजय का चौका लगाना है। और क्या कुछ बोले अमित शाह, सुनिए। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, छठा और सातवां चरण आगे आने वाला है। 5 चरण के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? पार्टी ने बहुमत प्राप्त करने की सीटें समाप्त कर दी है। छठे और सातवें चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने छठे और सातवें चरण में यहां से 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोटिंग करना है। मित्रों, 300 पार 2013 में यहीं से भारतीय जनता पार्टी का एक विजय अभियान शुरू हुआ था और विजय अभियान के बाद 2014 में समग्र देश और उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। मित्रों, इस देश का प्रधानमंत्री, सुन लिया भैया, सुन लिया, देख भी लिया आपको। और उत्तर प्रदेश से 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर पहली बार, आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और वहीं से जो अभियान चला है, 14 के बाद 17, 17 के बाद 19 और अब 19 के बाद 22, ये अखिलेश जी है ना, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले ढाले गेंदबाज है।
इन्होंने इस बार फुल टॉस डाला है जातिवाद का। अच्छा बल्लेबाज फुल टॉस वाली गेंद को जाने देगा क्या? जोर से बोलो, जाने देता है क्या? 14, 17, 19 और 22 में बाउंड्री लगानी है विजय की भाई, चौका लगाना है। ये सपा बसपा की सरकारों ने, ये बहन जी बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर से बांट कर रखा था। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने सबका साथ सबका विकास के सूत्र के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया। मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करेंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं, इस सभी दलों के बीच में केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने पिछड़े और गरीबों के कल्याण के लिए काम करने का काम किया है। मित्रों, कल्याण के 70 साल तक कई पार्टी आई उत्तर प्रदेश में, कई पार्टियां गई, गरीबों का नाम लेकर चुनते गए। सपा बसपा ने गरीबों के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया, बातें करने के अलावे कुछ नहीं किया। आज मैं आपको बताने आया हूं भाइयों बहनों, 1 करोड़ 67 लाख गरीबों के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम देश के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। भारतीय सेना को भेजिए, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हाथ जोड़कर रोते हुए छात्रा ने मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन में बमबारी और हमलों के बीच हजारों भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच एक छात्रा का रोते हुए वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मदद की गुहार लगा रही है। इस वीडियो को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शेयर किया। इस वीडियो में छात्रा कहती नजर आ रही है, जय हिंद जय भारत, कृपया हमारी मदद करें। रूस की सेना का यूक्रेन में कोहराम जारी है। भारतीय छात्रों को रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के जरिए बसों से यूक्रेन बॉर्डर से बाहर निकाला जा रहा है। वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए उन्हें घर लाने की कवायद जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली गरिमा मिश्रा का दावा है कि कोई मदद के लिए उनकी गुहार का जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है और मुझे नहीं पता कि मदद मिल पाएगी या नहीं। उन्होंने कहा, जहां हम रह रहे हैं लोग आते हैं, वे गड़बड़ी करते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। गरिमा ने कहा, हमें बताया गया कि बस के जरिए बॉर्डर तक गए, हमारे कुछ दोस्तों को रूस के सैनिकों ने रोक लिया है, उन्होंने छात्रों पर गोलीबारी की और लड़कियों को उठा लिया, हमें नहीं पता कि लड़कों के साथ क्या हुआ। आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर गरिमा ने कहा, ये हम फिल्मों में देखा करते थे, हमें लगा कि हमें बचा लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। किसी को हवा के रास्ते हमारी मदद के लिए भेजिए, भारतीय सेना को भेजिए, वरना मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से जा पाएंगे और हम इस जगह पर सुरक्षित नहीं है। आप भी एक बार इस वीडियो को देखिए। मैं यूपी लखनऊ से हूँ, हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं जब अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम
लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, अब कहाँ गए हम, तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी जो भी है, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहां भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं, बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस वीडियो को बेहद दर्दनाक बताया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग कर ट्वीट किया, भगवान के लिए इन बच्चों को भारत लाने के लिए जो हो सकता है वो करें, पूरा देश अपने छात्रों और उनके परिवारों के साथ है, मैं आपसे अपील करती हूं कि सरकार को इन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही कई वीडियोज को कांग्रेस नेताओं ने भी शेयर किया है। गुरुवार सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और उनकी सेनाएं कई शहरों की ओर बढ़ रही हैं और यूक्रेन में करीब 16,000 छात्र फंसे हुए हैं। कई छात्रों ने अपने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अंडरग्राउंड बंकर्स और बम शेल्टर से शेयर की हैं, जहां वे छिपे हुए हैं। कीव जाने के लिए रूस के सैनिकों ने रास्ता पूछा तो टैंकों के सामने यूक्रेन नागरिक जो थे वो वहां खड़े हो गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा रहा है कि यूक्रेन के नागरिक रूस के टैंकों का रास्ता रोक रहे हैं, लोग रूस के टैंकों के आगे खड़े हो गए। रूस की सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी और हवाई हमले हो रहे हैं। इस दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि यूक्रेन के नागरिक रूस के टैंकों का रास्ता रोक रहे हैं, लोग रूस के टैंकों के आगे खड़े हो गए। एक शख्स ने तो हाथ से टैंकों को रोकने की कोशिश तक की। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरियोकिवका के बाहरी इलाके में लोग रूसी सैनिकों की आवाजाही को रोक रहे हैं। रूस के सैनिकों ने रास्ता पूछने के लिए वो वहां पर रुके थे और उनको स्थानीय नागरिकों ने घेर लिया ताकि वे राजधानी कीव ना जा सकें। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में प्रदर्शन करने पर बेलारूस में 500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। व्यासना मानवाधिकार केंद्र ने रविवार को बेलारूस में हिरासत में लिए गए 530 लोगों के नाम जारी किए। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ बेलारूस में कम से कम 12 शहरों में प्रदर्शन हुए। देश की राजधानी मिंस्क में प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के झंडे लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों में मार्च किया। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि रूस के हमले में अभी तक 14 बच्चों समेत यूक्रेन के 352 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 116 बच्चों समेत 1684 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में ये जानकारी दी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कितने जवान हताहत हुए हैं। रूस ने दावा किया है कि उसके बल केवल यूक्रेन के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना रही हैं और यूक्रेन के आम नागरिकों को कोई खतरा नहीं है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को केवल यह स्वीकार किया कि रूसी सैनिक हताहत हुए हैं, लेकिन उसने उनकी संख्या नहीं बताई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि ये घोर परिवारवादी खुद उत्तर प्रदेश का विकास रोकना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। पीएम ने कहा कि जिन जिलों को घोर परिवारवादियों ने जितना पीछे धकेला उनके विकास के लिए हम उतनी ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पीएम ने दावा किया कि उन्होंने जो नहीं किया हम वो भी कर रहे हैं। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए था, उस वैक्सीन के खिलाफ इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज वैक्सीन लगाने में भारत से काफी पीछे हैं। भारत बहुत आगे निकल गया है। पीएम ने कहा कि खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है, इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार आपका वोट अपने गांव के गली के मोहल्ले के विकास के लिए तो है ही, साथ ही साथ आपका वोट भारत को ताकतवर बनाने के लिए भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घोर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ और यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की ताकत है, लेकिन ये घोर परिवारवादी भारत को ताकतवर नहीं देखना चाहते, कुछ ना कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं, इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है। और बलिया में पीएम मोदी क्या कुछ बोले वो भी सुनिए। पीएम मोदी सोमवार को बलिया में भी एक रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादी को यूपी की जनता ने नकार दिया है। पीएम ने कहा कि परिवारवाद का विरोध करना ही बलिया की परिभाषा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। घोर परिवारवादी ने यूपी के कानून को खत्म कर दिया था। घोर परिवारवादी ने अपने शासन में अपनी तिजोरी भरी है। पीएम मोदी ने दावा किया कि आज बलिया में पहले से ज्यादा बिजली आ रही है। उन्होंने कहा कि बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता है। बलिया से ही उज्ज्वल योजना की शुरुआत हुई थी। भारतीयों को बचाने के लिए सरकार ने प्लान बना लिया है, जिसमें चार केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। सरकार के इस ऑपरेशन के तहत अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों को भारत वापस लाया जा चुका है। वहीं सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में चार केंद्रीय मंत्रियों को भेजने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, वीके सिंह और हरदीप सिंह पुरी को भारतीयों की मदद की जिम्मेदारी दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा, किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1156 नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। अब तक हरियाणा के 91 छात्र भी सकुशल देश लाए गए हैं। यूक्रेन में फंसे अन्य छात्रों को भी वहां से निकाला जा रहा है। आज भी बुडापेस्ट से छठी फ्लाइट ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान भरी है, जिसमें 240 भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापस लाया जा रहा है। भारत सरकार ने 26 फरवरी से ऑपरेशन गंगा अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत अब तक 5 फ्लाइट से 1156 भारतीय नागरिक यूक्रेन से सकुशल वापस लौट चुके हैं। इस छठी फ्लाइट के दिल्ली पहुंचते ही ये संख्या 1396 हो जाएगी। वहीं यूक्रेन के पूर्वी भाग में हालात फिलहाल अच्छे नहीं हैं, लिहाजा नई एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों से कहा गया है कि जो जहां है वहीं रहे, घबराए बिना अपने को सुरक्षित रखना अभी जरूरी है। हालात पर नजर रखे हुए सरकार ने और लोगों को वहां से लगातार भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। हालात में थोड़ी सी भी बेहतरी होती है तो पूर्वी भाग से भी लोगों को तेजी से निकाला जाना संभव होगा। बलरामपुर में ओवैसी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवाब मलिक पर भी चर्चा की और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं। जो कानून नवाब मलिक पे इस्तेमाल हुआ वो कानून 2003 में बना। अगर बेटा औलाद पैदा नहीं हुई तो उसका नाम रखाई पैदाइश के बाद रखते हैं ना, तो ये कानून की पैदाइश 2003 में हुई। नवाब मलिक ने बेटा पैदा कर दिया 99 में, तो मोदी क्या कर रहा है कि नहीं 2003 में वो 99 में नाम रखा ही नहीं होगी, 2003 के कानून के तहत नाम रखा नहीं। अब देखो आप, मोदी भी एक ही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी एक ही है, वहां पर नेता का भतीजे पर इल्जाम
भतीजा गिरफ्तार हो जाता तो राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र को रोक देती, मगर क्योंकि गिरफ्तार होने वाले का नाम नवाब मलिक था इसलिए सब गूंगे बनकर बैठे हैं, सब गूंगे बनकर बैठे। क्या नवाब मलिक पर जो इल्जाम लगा गलत है, झूठ है? और एक मिसाल देता हूं, आजम खान मंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, थे ना मंत्री पर इल्जाम कि उन्होंने अपने मंत्रालय में किसी का गलत नौकरी पर रखा किसी को, आजम जेल में और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में फिर रहा है कि तुझ पर मेरी जवानी कुर्बान के नारे सुनते हुए। अगर मंत्री जेल में है तो मुख्यमंत्री जेल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सोचो आप? मैं भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। अल्लाह मेरी जबान में इतनी तासीर दे कि मेरी आवाज आजम खान को जेल में सुनाई दे और नवाब मलिक को बंबई में जेल में सुनाई दे। हम दूसरी पार्टी के अलग अलग पार्टी में है, मगर मैं नाम के नाम पर और नाइंसाफी के नाम पर अपनी जबान को नहीं रोक पाऊंगा। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।